जैसे कि आपने देखा कि मैं यहाँ पर आया हूँ, सही है। ये जो जगह है आकिब भाई का घर है, ये हमें यहाँ पे बुलाते हैं और हम यहाँ से इनके साथ बैठकर ढेर सारे लोगों के साथ मिलकर हम जाते हैं आस एकेडमी एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स। तो आइए मैं आपसे मिलवाता हूँ आकिब भाई को। अस्सलाम वालेकुम। सो गाइस, ये हैं हमारे आकिब भाई जो बयानात सिलसिला आस एकेडमी तक वहाँ पहुँचाते हैं। आज हम इन्हीं के साथ जाएंगे, और भी गेस्ट हैं वो इकट्ठे हम यहाँ से वैन में फिर हम जाएंगे रेवन रोड अडा प्लॉट आस एकेडमी एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स। तो इनके बारे में और बताता चलूँ, वीकली संडे टू संडे बयानात कराते हैं, अपने घर में महफिल होती है और हम सब शिरकत करते हैं, बयानात सुनते हैं। और दानू भाई बताओ। बयानात इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ वीकली मजलिस होती है, प्रोफेसर साहब हैं वो करते हैं, और आस एकेडमी में आज नाइट ऑफ रिकनेक्शन है, एक रात अल्लाह के साथ, हमारे जो दिलों को जंग लगा हुआ उसको दूर करने के लिए और अपने ईमानी कैफियत को बढ़ाने के लिए, ताकि हम नमाज में वो कैफियत हासिल कर सकें जिसका हदीस पाक में तस्करा है। तो आप भी हमें ज्वाइन करें, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। जज़ाकअल्लाह खैर। इंशाल्लाह। ओके, रवाना होने लगे हम सब और आपसे मिलते हैं आस एकेडमी। बिल्कुल। तो ईशा का वक्त है, दानिश भाई ने वज़ू कर लिया, तो हम जाने से पहले ईशा की नमाज़ पढ़ कर जाएँगे। मेरा वज़ू है, मैं घर से कर आया था। मोमेंट्स लेटर हमने नमाज पढ़ ली है, अब हम इंतज़ार करें गाड़ी का। जस्ट वेट फॉर अ मोमेंट गाइस, एंड द बस इज ऑन इट्स वे। पर आ चुके हैं, ये है आस एकेडमी एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स। अच्छा, तो अब हम जा रहे हैं अंदर, बहुत बड़ी जगह है। यहाँ पीछे लड़के गेम खेल रहे हैं, शायद वॉलीबॉल है, वॉलीबॉल और जो है बैडमिंटन। लेकिन मस्जिद में जाने से पहले हम दोबारा से वजू कर लेंगे, फिर से वजू करेंगे गर्म पानी से, क्योंकि मौसम बहुत ही ठंडा है। चलो आइए आगे देखते हैं। ये ढेर सारे वॉशरूम है, ये और यहाँ पे भी वॉशरूम है, और यहाँ पे दरअसल गर्म पानी है। ये गीज़र लगे हुए हैं ढेर सारे, जो कि पहले नहीं थे। 1, 2, 3, 4। बिल्कुल गर्म पानी है। ठीक है दानिश भाई, वज़ू करते हैं अब। अच्छा, तो अब हमने वज़ू कर लिया, अब हम अंदर जा रहे हैं। वज़ू करके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। सर्दी लग रही है ना? बिल्कुल, लेकिन पानी गर्म था। ये एंट्रेंस है।
दानियल भाई, आराम कर रहे हो? अच्छा, तो अब हमें थोड़ी 10-20 मिनट की ब्रेक मिली है ना, तो अब हम थोड़ी कमर सीधी आराम कर रहे हैं और कुछ लोग नमाज़ पढ़ रहे हैं, तस्किरा कर रहे हैं, फिर उसके बाद हम आप सबको बयान दिखाएंगे, ठीक है? किताब या अल्लाह का कलाम हमें क्या कहता है? आप कुरान करीम की बहुत सारी आयात ऐसे देखेंगे जिसमें अक्सर मज़मून शुरू होता है अलम तरा या अफला या ज़ुरूर, क्या उसने नहीं देखा या वो नहीं देखता या वो लोग नहीं देखते। वो जो हमने साइंस वाली बात की थी ऑब्जर्वेशन, वो कुरान खुद कह रहा है क्या आप उन चीज़ों को देखते नहीं हो? तो फिर ये खुद को खुद कैसे बन गई? उस पर वो एक तोता मैंने का कहानी सुनाते हैं, इसके बाद बिग बैंग थ्योरी। वो कहानी ये है कि जनाब एक खला के अंदर बहुत बड़ा एक टैलेंट था जो सबसे पहले मौजूद था, वो एक धमाके से फटा और उसके फटने के बाद ट्रिलियन और बिलियन ट्रिलियन के सो नाइट ऑफ रिकनेक्शन जो पहला बयान हुआ है उसके अंदर इस्लाम और साइंस ये दो चीज़ें हैं। उसमें ये बताया कि ये फ़र्क नहीं है ज़्यादा, यानी हमारा जो इस्लाम है वो ख़ुद हमें तालीम देता है कि पढ़ो सीखो और लिखो। तो ये इस टॉपिक के ऊपर था पहला बयान। और जो ये बयान था ये हमारे शेख मौलाना इंजीनियर फैसल मिर्ज़ा साहब ने डिलीवर किया था। बहुत अच्छा और प्यारा बयान करवाते हैं, मज़ा आ जाता है सुनकर। ये वही जगह है जहाँ पर मैंने पहले वीडियो बनाई थी सुन्नत एतकाफ आस एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो यहाँ पे आई कार्ड के अंदर वो आइकन आएगा, वो जाकर देखिए वीडियो। जो दूसरे बयान के अंदर बात हुई थी वो हमारे हज़रत जी हैं, उनके बयान में मकसद ये था कि हम अपने अल्लाह ताला को राज़ी करें, क्योंकि जब कोई हमारे साथ नहीं होता तब अल्लाह ताला हमारे साथ होते हैं। तो इस तरह के कोई काम हमें नहीं करने जिससे हमारे अल्लाह ताला नाराज़ हों। इस पर वो कहते हैं कि इसको जन्नत इतनी चीज़ें मिलेंगी कि हर चीज़ भूल जाएगा, हर चीज़ भूल जाएगा, ऐसी ऐसी जन्नत में नेमतें मिलेंगी। किसी पर खैर गालिब आ जाए तो अल्लाह का शुक्र करे, और जिस पर शर गालिब आ जाए तो वो ये जान ले कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत की चादर जो है वो मुझ पर से हटा ली गई है। अल्लाह हम सबको माफ फरमाए। और जो इस बयान के अंदर जो समझाया गया समरी थी वो ये थी कि इंसान के जो गुनाह होते हैं जो वो अकेले में छुप के करता है उस पर वो काबू करे, वो ना करे, क्योंकि अगर क़यामत वाले दिन इंसान के पास पहाड़ जितनी भी नेकियाँ होंगी ना वो अल्लाह ताला सारी उड़ा देंगे। किस बिना पर कि वो अकेलेपन में गुनाहगार था, ये अमल अल्लाह ताला को पसंद नहीं। तो ये था आज के दिन की NOC, नाइट ऑफ रिकनेक्शन। अब फजर का टाइम हो गया, मैंने वजू कर लिया और अब मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूँ। अब वक्त आ चुका है हमारे घर जाने का। अगर आपने ये वीडियो
क्योंकि आज बहुत ज़्यादा ठंड है और बहुत ज़्यादा ही ठंड लग रही है। सही है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में। मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़। ये हमारी गाड़ी उधर खड़ी हुई है यहाँ पर, भाई भी उधर ही है और हमारे आके भाई भी उधर ही है। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर आस अकेडमी का डेयरी फार्म भी है। सही है, यहाँ पर भी मैंने एक वीडियो बनाई थी, वो लिंक डिस्क्रिप्शन में, लिंक डिस्क्रिप्शन में। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया से इन्होंने गाय मंगवाई हुई है, उनका खास मजेदार दूध होता है वो यहाँ से मिलता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है फ्रेश वैली, गुड बाय आस अकेडमी, फिर मिलते हैं, फिर आएंगे। फिर कब आएंगे हम? 26 फरवरी 27 और 28, तीन दिन इज्तिमा है, 3 डेज इज्तिमा। तो मैं चाहता हूँ कि आप सब भी आएँ, ठीक है, आस अकेडमी। अल्लाह हाफिज़।